स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोग को चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। व्हेन पीपल अपोज टू चेंजेस, ओके, जब लोग जो है वो चेंजेस की मुखालिफत करे या चेंजेस को एक्सेप्ट ना करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम ये कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, ओके। तो फर्स्ट टाइप है लॉजिकल रेजिस्टेंस। This type of resistance consists of logical reasoning where employees giving a logical reason or valid reason they think the idea will not effective or not a good idea to adapt changes. ठीक है, जहाँ पे जो employee होता है वो valid और logical reason देते हैं, ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि ये जो idea है changes का ये effective नहीं है, ये good idea नहीं है। चले हम example के through clear करने की कोशिश करते हैं। For example, buying expensive software, ठीक है। सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो और बेनिफिट कम हो तो वो जो है फिर इफेक्टिव नहीं होगा वो चेंज। कॉस्ट अगर ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, ठीक है, फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव चेंज वो होगा जिसका बेनिफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो, ठीक है। टॉप लेवल की मैनेजमेंट ने जो है वो डिसाइड किया कि आईटी वालों को ये कहा कि हमने ये सॉफ्टवेयर लेकर आना है। आईटी वालों ने क्या किया, आईटी वालों ने उनको लॉजिकल रीज़न दी, वैलिड रीज़न दी कि आप सर आप जिस चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट को मतलब कहा है। हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा टॉप लेवल के मैनेजमेंट से कि आप जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं उसका जो है कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट इतना नहीं है, ठीक है। इसको हम ये कहेंगे कि ये मतलब वैलिड और लॉजिकल रीज़न है, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्ट कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट वाले फॉर एग्जांपल, ठीक है। मार्केट इम्प्लीमेंट न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो है वो डिसाइड की कि हम जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों से ये कहा कि आप लोग जो है न्यू जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएं, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट भी करें फिर, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, रेजिस्ट किया, ठीक है। क्यों रेजिस्ट किया, उन्हें बताया, उन्हें लॉजिकल रीज़न दी कि अभी जो है हम कस्टमर की जो नीड्स हैं और वांट्स हैं हम उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट भी अच्छा आ रहे हैं, हम कमा रहे हैं। आप जो है स्ट्रेटजी का कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी जो है वो फ्लॉप हो, ठीक है। एग्जिस्ट जो स्ट्रेटजी हमारी वो काफ़ी इफेक्टिव है हमारे लिए, ठीक है। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं और लॉजिकल रीज़न भी दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ओके। दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस अगर ड्यू टू मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके, विच इंक्लूड फियर ऑफ जॉब लॉस, ओके। यानी ये जो टाइप है, इस टाइप में ये है कि जो एम्प्लॉय है वो डर रहा है कि जो चेंजेस है, चेंजेस की वजह से मेरी कहीं जॉब ना लॉस हो जाए, ठीक है। फियर ऑफ माइंड, उनके जो दिमाग है उनमें एक फियर होता है, ठीक है, डर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखें कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आती हैं तो उनके जो पावर है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। कुछ से पावर ली जाती हैं, दूसरों को दी जाती हैं, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज से जो है वो पावर लिया जाता है, दूसरों को दिया जाता है जिनके पास नॉलेज हो उस चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय है इसमें डर रहा होता है कि कहीं मेरी जो जॉब है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। जो चेंजेस आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी बड़ी बड़ी चेंजेस, यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या फिर जो है इक्विपमेंट से रिलेटेड है या फिर जो है मशीनरी प्लांट वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, मेरी पावर लॉस ना हो जाए, मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। कि पहले मैं ऑर्डर देता था कि ये काम करो वो काम करो, ठीक है, लोगों को सुपरवाइज करता था, कहीं ऐसा ना हो कि चेंजेस की वजह से मेरी जो जॉब है, मेरी जो इन्फ्लुएंस है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है, मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो लॉस ना हो जाए कहीं, ठीक है, और मेरी जो है डिप्रोमोशन ना हो जाए, मेरी पोजीशन की डिप्रोमोशन ना हो जाए जो चेंजेस की वजह से, ठीक है। एक फियर होता है उनके दिमाग में, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है उनके दिमाग में। थर्ड है सोशल रेजिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस अराइजिंग फ्रॉम द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप कौन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोशल ग्रुप है पीयर्स है, आपकी टीम्स है, आपके जो है फ्रेंड्स हैं, आपके जो है यूनियंस हैं, ओके। When group of people don't want to adapt changes in the organization, ठीक है, यानी जब आपका जो social group है वो लोग जो है वो नहीं चाहते कि organization के अंदर changes आए, ठीक है, उसको हम ये कहेंगे कि social resistance, ओके। यानी union है, उसमें 10 लोग हैं, उसमें जो है यानी union है organization के अंदर, ठीक है, उसके अंदर 10 लोग हैं, 5 चाहते हैं कि changes आए क्योंकि वो जो है वो bore है जो exist जो system है, ठीक है, काम का
उनसे काफी बोर है वो, और वो चाहते हैं कि कुछ नया हो। जैसे फाइव जो है वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब चेंजेस आए, और फाइव ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस ना आए, ठीक है। तो वो जो फाइव नहीं चाहते वो भी इनको इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, तो वो भी इनके साथ रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। कि आप लोग भी ये कहें कि मतलब रेजिस्ट करें कि हम नहीं चाहते कि चेंजेस आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी यू वॉन्ट्स टू चेंज हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी यू चाहता है कि मैं जो है स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करूँ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सीईओ चाहता है कि मैं स्ट्रक्चर चेंज करूं ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शनल स्ट्रक्चर है मैं चाहता हूं कि फ्लैट स्ट्रक्चर हो, ठीक है। जो मैनेजर है उनको ख़त्म करूं फॉर एग्जांपल, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर रखूं, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़ है वो मेरे साथ डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट करें, जो चेन ऑफ कमांड जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, कोलेबोरेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हायरार्की जो है वो चेंज करना चाहता हूँ मैं, सीईओ ने ये चाहा, ठीक। तो वहाँ पे जितने भी मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, चाहे मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर्स हैं, आईटी के हैं, ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम जो है वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर सम टाइम यूनियंस जो है वो आ जाती हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, ठीक है, वो भी रेजिस्ट करते हैं कि हम जो है नहीं चाहते कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आए, ठीक है, वो काम ही नहीं करते, ठीक है, वो फिर स्ट्राइक वगैरह करते हैं, ओके। फिर उसके बाद है फोर, कम्युनिकेशन रिलेटेड रेजिस्टेंस। This type of resistance arising when people, when top level manager didn't communicate well about the changes, ठीक है, और due to deliver lack of information or poor information, lack information or poor information, employee resist when organization do not provide them a proper information about changes, benefit or reason of changes, ठीक है। यानी simply कि अगर मैं बात करूँ इस type की, कि ये जो है जब organization जो है, जब top level की management जो है वो अच्छी तरीके से communication ना करें, ठीक है, वो जो है प्रॉपर उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पुअर हो, वो टाइम पर जो है इन्फॉर्म नहीं नहीं किया हो, जब टाइम पर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे एम्प्लॉयज को, ठीक है, तो फिर एम्प्लॉय जो है वो रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय को प्रॉपर बेनिफिट ना बताया हो कि भाई आपके क्या क्या बेनिफिट है, हम चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है, आपका करियर ग्रोथ होगा, या आपका जो है आपके स्किल्स अच्छे होंगे, आपकी जो है आप डेवलप होंगे फॉर द फ्यूचर, ठीक है, आप न्यू न्यू स्किल्स सीखेंगे, ठीक है। उनको जो है प्रॉपर बेनिफिट नहीं बताया जा रहा, रीजन नहीं बताया जा रहा है कि हम जो है क्यों जो है ये चेंजेस ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम जो है इसलिए चेंजेस लेकर आ रहे हैं कि हम जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकें, ठीक है, मतलब रीजन हो सकते हैं और भी चेंजेस के, ठीक है। यानी प्रॉपर जो है, यानी जब आप टाइम पर जो है कम्युनिकेशन ना करें, ठीक है, यानी जब आप टाइम पर कम्युनिकेशन ना करें एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, पुअर टाइमिंग हो, ठीक है, मतलब कि पुअर कम्युनिकेशन टाइमिंग हो, ठीक है, पहले से 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले आपको चाहिए कि आप बताएं एम्प्लॉयज को, ठीक है, क्योंकि आपने उन्हें सरप्राइज नहीं देना, क्योंकि आपने उनको शॉक नहीं करना, ठीक है, आपने उनको इन्फॉर्म करना है, आपने उनको बेनिफिट बताने हैं, आपने उनको रीजन चेंजेस बताने हैं, आपने उनको कॉस्ट भी बताना है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी कॉस्ट उठाई है, ठीक है, आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है।